हाई स्टूडेंट्स दिस इज जैनिश कुम कॉमर्स क्लासेज एंड स्टार्टिंग विद्यू चैप्टर दैट इज द डेथ ऑफ पार्टनर और स्टूडेंट्स डेथ ऑफ़ पार्टनर भी काफ़ी हद तक सिमिलर है हमारे रिटायरमेंट के चैप्टर से बिकॉज रिटायरमेंट में भी तीन में से एक पार्टनर जा रहा होता है बिजनेस छोड़कर और बाकी दो कंटिन्यू करते हैं एंड सिमिलरली डेथ ऑफ पार्टनर में भी तीन में से एक पार्टनर की डेथ हो चुकी है एंड देट इज वाई दो पार्टनर अब क्या करेंगे उसको कंटिन्यू करेंगे सो टूडे विद समर टू राकेश महेश महेश मुकेश कहा जाएगा पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड क्रेडिटर्स लाइबिलिटी में जाएगा बैंक लोन लाइबिलिटी में जाएगा बिल्स पेबल भी लाइब्रिलिटी में जाएगा मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्साइड सो so, सारे एसेट्स दिए हुए प्लांट एंड मशीनरी मोटर ट्रक डेटर्स इन्वेस्टमेंट बैंक ये सारे के सारे कहा जाएंगे स्टूडेंट्स असेट में ही जाएंगे हम बैंक अकाउंट का क्या करेंगे अगर एडजस्टमेंट होगा तो अलग से अकाउंट बनाएंगे अदरवाइज असेट में ही लिखेंगे सो लेट्स रीड द एडजस्टमेंट मुकेश डायड ऑन थर्टी जून ओके okay, थर्टी जून अकेडमिकल ईयर कब शुरू होता है स्टूडेंट्स फाइनेंशियल ईयर फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है अप्रैल में सो so, अप्रैल में और जून सो न्यू ईयर शुरू होने के तीन महीने के बाद न्यू फाइनेंशियल ईयर शुरू होने के बाद तीन महीने के बाद वो मर चुका था उन्होंने क्या किया सारे एसेट्स को रीवैल्यू किया फर्स्ट प्लांट एंड मशीनरी फोर्टी फोर थाउजेंड सो उसका अमाउंट बढ़ रहा है तो दो इफेक्ट कहा आएगा स्टूडेंट्स एड टू अट और ये अच्छी बात है असेट बढ़ रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट क्रेडिट साइड क्रेडिट साइड जाएगा बिकॉज क्रेडिट ऑन इनकम्स एंड गेंस मोटर ट्रक ट्वेंटी थाउजेंड ये भी असेट बढ़ रहा है तो इसको भी एड करेंगे और क्रेडिट साइड लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के थर्ड इन्वेस्टमेंट सेवेंटीन थाउजेंड इन्वेस्टमेंट कम हो गया है ओ oh, तो लेस वो असैट करेंगे और कम होना तो बुरी बात है तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट साइड डालेंगे एडजस्टमेंट नंबर टू ऑल डेटर्स डेटाज गुड ओके तो स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन में आरडीडी टू थाउजेंड दिया है बट अब एडजस्टमेंट में क्या बताया कि ऑल द डेटर्स वर गुड सो इन शॉर्ट हम इसका मतलब क्या होता है आरडीडी को नील कर देंगे सो फर्स्ट इफेक्ट क्या आएगा आरडीडी को नील कर देंगे और आर डीडी मतलब नुकसान होता है हमारा नुकसान कम हो गया है ये तो बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है सो इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड लिखेंगे क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स दो इफेक्ट क्या आएगा RDT को नील कर दो और के क्रेडिट साइड डालो थर्ड गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट टू टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट फाइव सो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स गुडविल को वैल्यू करना है और उसका वैल्यूएशन क्या दिया है पिछले पांच साल का एवरेज निकालो मल्टीप्लाई बाय टू कर दो टू टाइम्स निकाल मल्टीप्लाई बाय टू कर दो एंड नो गुडविल अकाउंट टू बी शोन इन द बुक्स ऑफ फॉर्म सो so, स्टूडेंट्स हमें क्या करना है गुडविल को नहीं दिखाना मतलब राइट ऑफ करना है सो so, इसमें गुडविल को रेस और राइट ऑफ की एंट्री आएगी सिमिलर टू रिटायरमेंट चैप्टर मैंने बताया रिटायरमेंट चैप्टर की जैसे ही आएगा सो so, रिटायरमेंट में क्या होता था गुडविल टू रिटायरिंग पार्टनर एंड कंटिन्यू टू गुडविल सो इसको याद रखना जी आर गुडविल टू रिटायरिंग पार्टनर और कंटिन्यू टू गुडविल विल सी जी बट यहां पर क्या होगा स्टूडेंट्स गुडविल टू डेथ पार्टनर एंड कंटिन्यू टू गुडविल बस रिटायरमेंट की जगह डेथ आ जाएगा बाकी सब कुछ सेम रहेगा

वो भी मैं आपको सम में अच्छे से बताऊंगा सो so, एच नंबर फाइव तो हमारे सिर्फ इंफॉर्मेशन वहां पर ओके लिख दो so, आइए अब हम सम की शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर टू एंड नेम ऑफ थ्री पार्टनर्स आर राकेश महेश मुकेश आई वूड राइट ओवर योर राकेश महेश मुकेश राकेश महेश मुकेश सो स्टूडेंट्स द चैप्टर डेथ ऑफ पार्टनरशिप इज एग्जैक्टली सिमिलर टू दैट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर जो रिटायरमेंट में एक पार्टनर रिटायर हो जाता है और डेथ ऑफ पार्टनर के अंदर एक पार्टनर की डेथ हो रही है सो so बेसिकली दोनों के रूल्स एकदम सेम है सिर्फ एक और दो एडजस्टमेंट ऊपर नीचे अलग होने वाले हैं अदरवाइज द एंटायर सम इज गोइंग टू रिमेन सेम हमने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है बैलेंस शीट बनाई है और गुडविल अकाउंट बनाया है एग्जैक्टली सिमिलर द वे यूज टू डू इन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर सो लेट स्टार्ट द सम राकेश मुकेश महेश उनका कैपिटल अकाउंट दिया है यहां लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन और अमाउंट दिया हुआ है थर्टी ट्वेंटी टेन सो थर्टी थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड टेन थाउजेंड मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट क्रेडिटर्स सो क्रेडिटर्स हमें लाइब्रेट साइड दिया है सो नुड राइट ऑफ योर लाइब्रेटी के अंदर स अमाउंट इज गिवेन टू अस एट थाउजेंड रुपीज कोई एडजस्टमेंट नहीं है बैंक लोन ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज सो बैंक लोन आएगा यहां पर ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज नेक्स्ट बिल्स पेबल अठारह हजार सो बिल्स पेबल एटीन थाउजेंड ऑल थ्री आर इन लाइबिलिटी और इसके अंदर क्या नहीं है स्टूडेंट जरा भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है मूविंग फॉरवर्ड टू असैड साइड प्लांट एंड मशनरी फोर्टी थाउजेंड सो सबसे पहले आएगा प्लांट

नेक्स्ट डेटर्स डेटर्स एडजस्टमेंट है स्टूडेंट इसका अमाउंट दिया हुआ हमें लेस लिख देंगे इट इज बट इसको कब करेंगे करेंगे एडजस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट का अमाउंट दिया हुआ है हमें इन्वेस्टमेंट का अमाउंट दिया हुआ है कितना अमाउंट दिया हुआ है एटीन थाउजेंड रुपीज ओके एटीन थाउजेंड रुपीज दिया हुआ है एंड फाइनली बैंक ओके सो बैंक में फिलहाल कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए हम डायरेक्टली उसको

So, वो फोर्टी फोर थाउजेंड हो गया दैट मीनस एड हो रहा है सो so, हम यहां पर वर्ड लिखेंगे एड री वेल्युएशन सो हमने रिवैल्युएशन एंड द अमाउंट इज गिवन टू अस फोर थाउजेंड रुपीज सो यहाँ पे so, टोटल so, तो अच्छी बात है अच्छी बात है तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड लिखेंगे बाई रीवेल्युएशन ऑफ कौन सा था प्लांट एंड मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी एंड अमाउंट कितना दिया हुआ हमें फोर थाउजेंड रुपीज से एड हो चुका है फोर थाउजेंड रुपीज नेक्स्ट इज मोटर ट्रक मोटर ट्रक का क्या हो गया वैल्यू कम हो चुका है स्टूडेंट्स सो so, हम यहां पे अगेन लेस लिखेंगे रीवैल्यूएशन इस बार लेस हुआ है रीवैल्यूएशन टू थाउजेंड रुपीज से लेस हुआ है स्टूडेंट्स सो टू थाउजेंड लिखेंगे बाहर एटीन थाउजेंड आ जाएगा एंड एंड यहां पे लिखेंगे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट ओके यहां पे भी अकाउंट आएगा बाय रीवैल्यूएशन एंड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट किसका किसका है ये स्टूडेंट्स हमें मोटर ट्रक का दिया हुआ है मोटर ट्रक का अमाउंट लेस हो चुका है मोटर ट्रक और कितने रुपीज से लेस हुआ है टू थाउजेंड रुपीज से लेस हुआ है ऑन द डेबिट साइड मूविंग मूविंग फॉरवर्ड फॉरवर्ड स्टूडेंट्स अब क्या हुआ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी कम हो चुकी है सो so हम यहाँ पे अगेन लेस करेंगे रिवेल्यूशन वर्ड यूज करेंगे लेस रिवेल्यूशन अमाउंट कितना वन थाउजेंड रुपीज से लेस हो चुका है सो so यहाँ पे कितना सेवनटीन थाउजेंड आएगा सो so यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट वर्ड लिखेंगे ऑलरेडी हेडिंग दी हुई है revaluation,

हमें एक्सपेक्टेड थे कि हमारा खर्चा होने वाला है सो so, हमारा खर्चा ना होना भी हमारे लिए अच्छी बात है स्टूडेंट्स सो so, हम यहाँ पे क्या करेंगे क्रेडिट साइड लिखेंगे बिकॉज क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स सो ऐसा अज्यूम किया था कि होगा बट फिलहाल एक भी रुपया रुपयाडी नहीं हुआ है मतलब नुकसान नहीं हुआ है नुकसान ना होना मतलब अच्छी बात है अच्छी बात तो फिर क्रेडिट साइड आएगा क्रेडिट ऑर लॉस एंड क्रेडिट ऑन इनकम्स एंड गेन्स मूविंग फॉरवर्ड टू थर्ड वन गुडविल ऑफ द फॉर्म वैल्यूड एट टू टाइम्स एवरेज प्रॉफिट ऑफ दिस लास्ट फाइव इसके स्टूडेंट्स हमें अभी कैलकुलेट करना होगा मैं यहां पर वर्किंग नोट लिखने वाला हूं सो स्टूडेंट्स आपको भी एग्जाम में सबसे पहले अच्छे से वर्किंग नोट हेडिंग लिखनी है वर्किंग नोट हेडिंग लिख के इसको अंडरलाइन करना है फर्स्ट फॉर हम करेंगे अब हमें क्या करना है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल करना है सो आई गुड राइट ऑफ युलेन ऑफ गुडविल ओके गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स गुडविल ऑफ द फॉर्म वैल्यूड एट टू टाइम्स एवरेज प्रॉफिट तो सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है सो so, हम सबसे पहले क्या करेंगे एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट का रूल क्या होता है फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ इयर्स तो टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स सो हमें यहां कितने ईयर्स का प्रॉफिट दिया, दिया, दिया हुआ है लेट्स सी हमें एडजस्टन नंबर फाइव में दिया हुआ है स्टूडेंट्स टोटल पांच साल के लास्ट फाइव ईयर्स के प्रॉफिट का अमाउंट दिया हुआ है छह ग्यारह सात बारह चौबीसो छ हजार प्लस ग्यारह और सात ग्यारह हजार सात हजार प्लस बारह एंड देन चौबीस ट्वेल्व थाउजेंड प्लस ट्वेंटी फोर थाउजेंड इन शॉर्ट टोटल कितने ईयर्स का दिया हुआ हमें यहाँ पे फाइव ईयर्स का दिया हुआ so हम डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स फाइव करेंगे सो विच कम्स टू सिक्स प्लस इलेवन सेवनटीन सेवनटीन प्लस सेवन कम्स टू ट्वेंटी फोर प्लस ट्वेल्व थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स फोर्टी सिक्स फिफ्टी सिक्स सिक्सटी थाउजेंड्स so, यहाँ पर सिक्स थाउजेंड आया सिक्स थाउजेंड बाई फाइ करेंगे कम्स टू सो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना मिला स्टूडेंट्स हमें एवरेज प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू तो टेन थाउजेंड मिला ट्वेल थाउजेंड अब स्टूडेंट्स ये गुडविल ऑफ द फॉर्म वैल्यूड एट टू टाइम्स टू टाइम्स मतलब उसको मल्टीप्लाई बाई टू करने वाले स्टूडेंट्स सो so, अब गुडविल का अमाउंट कितना दिया स्टूडेंट्स गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू टू टाइम्स मल्टीप्लाई हम टू करेंगे टू टाइम्स सो कितना दिया है ट्वेल्व थाउजेंड इंटू टू करेंगे तो so, हमें यह क्या मिल गया स्टूडेंस पूरे के पूरे फॉर्म का गुडविल मिल गया पूरे फॉर्म का गुडविल कितना ट्वेंटी फोर थाउजेंड था अब स्टेंट्स कौन आ, मुकेश डाइड ओके okay? तो कौन मर गया है? मुकेश मर चुका है सो so, अभी हम मुकेश का शेयर देखेंगे मुकेश शेयर इन गुडविल ये हमें क्या मिला है पूरे फॉर्म का गुडविल मिले सो so, मुकेश शेयर इन गुडविल मुकेश का शेयर कितना होगा लेट्स मुकेश इन गुडविल मुकेश का प्रॉफिट शेयर रेशियो कितना था ओके थ्री इंस टू टू इंस टू वन दट कम्स टू वन पॉइंट सिक्स मुकेश इन गुडविल दैट मीन ट्वेंटी फोर थाउजेंड इंट वन पॉइंट सिक्स आएगा बिकॉज का वन पॉइंट सिक्स होगा सो वन पॉइंट सिक्स डिवाइड दिस दैट कम्स टू ट्वेंटी फोर थाउजेंड बाई सिक्स टू फोर थाउंड रुपीज अब हमें गुडविल मिल चुका है स्टूडेंट्स फोर थाउजेंड रुपीज हमारा अमाउंट आ चुका है फोर थाउजेंड रुपीज दिस इज माई फाइनल गुडविल अमाउंट फोर थाउजेंड रुपीज अब एडजस्ट नंबर थ्री में क्या लिखा स्टूडेंट्स गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट टू टाइम्स एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट फाइव इन ऑब्वियसली स्टूडेंट्स कौन ऑफ हुआ है यहां पर मुकेश ऑफ हुआ है तो उसका हम शेयर निकालेंगे और गुडविल को रेस करेंगे और आगे लिखा है नो no गुडविल्स और गुडविल को अकाउंट हम शो नहीं करेंगे सो so, गुडविल को रेस भी करना है रिटर्न ऑफ भी करना है एन एस आई टोल्ड यू ऑल इेथर इज एक्सैक्टली याद करो स्टूडेंट रिटायरमेंट में क्या था रिटायरमेंट में क्या था स्टूडेंट्स रेस की एंट्री गुडविल टू रिटायर पार्टनर एंड कंटिन्यू टू गुडविल तो यहां पर भी सेम होगा गुडविल टू रिटायरिंग की जगह डेथ हो जाएगा गुडविल टू सो लेट स्टार्ट मैं यहां पर लिख रहा हूं ओके फॉर योर अंडरस्टैंडिंग बुक के अंदर लिखने वाला हूं, हूं यहां पर क्या आने वाला है गुडविल अकाउंट डेबी टू रिटायर पार्टनर था यहां पर डेथ हो जाएगा एंड कंटिन्यू टू गुडविल तो सबसे पहले गुडविल के घर पर डेथ वाला पार्टनर ओके सो लेट स्टार्ट गुडविल टू Tell me, कौन ऑफ हो चुका है यहां पर द नेम ऑफ द पार्टनर द नेम ऑफ द पार्टनर इज मुकेश सो मैं यहां लिखूंगा टू मुकेश कैपिटल अकाउंट मुकेश कैपिटल अकाउंट अब बताओ मुकेश का कितना आया गुडविल का अमाउंट फोर थाउजेंड रुपीज सो गुडविल के घर पे मुकेश सो मुकेश के लिखेंगे बाय गुडविल अकाउंट अमाउंट आएगा फोर थाउजेंड रुपीज एंड

सो कितना स्टूडेंट्स ट्वेंटी फोर हंड्रेड एंड सिक्स हंड्रेड आएगा टू थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सो कंटिन्यूइंग पार्टनर के घर पे गुडविल गुडविल के घर पे कंटिन्यूइंग पार्टनर सो मैं यहां लिखूंगा बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और मैं दोनों का नाम लिखूंगा वॉट इज द नेम ऑफ द टू कंटिन्यूइंग पार्टनर्स नाम है राकेश और महेश सो so, यहां वर्ड आएगा राकेश और यहां आएगा महेश सो राकेश और महेश अमाउंट आएगा टू थाउजेंडोर हंड्रेड वन थाउजेंड सिक्स टू फोर था किया है हमने गुडविल को रेस किया और राइट ऑफ किया और द एंट्री वॉर सिमिलर टू रिटायरमेंट वाला चैप्टर एंट्री वॉर सिमिलर टू रिटायरमेंट वाला चैप्टर यहाँ पे हमने एडजस्टमेंट नंबर थ्री को कंप्लीट कर चुका है हम लोग गुडविल टू डेथ पार्टनर एंड कंटिन्यू टू गुडविल मूविंग फॉरवर्ड टू एडजस्टमेंट नंबर नाउ फोर्थ मुकेश शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू हिज डेथ टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 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 एवरेज प्रॉफिट लास्ट टू इयर्स स्टूडेंट्स देखो अब अब गुड क्या हुआ था हमारा हमारा पार्टनर हो चुका है मर चुका है ओके okay, बट उसने काम किया है उसने कब कब काम किया हमारा न्यू एकेडमिकल ईयर कब शुरू होता है अप्रैल में शुरू होता है उसने अप्रैल के महीने में काम किया था उसने मई के महीने में भी काम किया था और जून के महीने में भी काम किया था तो ये तीन साल उसने काम ये तीन महीने ये थ्री मंथ्स उसने काम किया है इस अकेडमिकल ईयर में तो ये तीन महीने के जितने भी प्रॉफिट होते हैं वो सारा का प्रॉफिट का हकदार वो बनता है आज भी सो so, उसे हमें उतना प्रॉफिट देना ही पड़ेगा सो so, हम वी विल बी फाइंडिंग अमाउंट ओके हम अमाउंट को फाइन करेंगे सो लेट स्टार्ट विद हमारा वर्किंग नंबर नंबर टू हमें क्या फाइन करना है हमें मुकेश के प्रॉफिट को फाइन करना है सो लेट स्टार्ट कैलकुलेशन ऑफ मुकेश शेयर हम मुकेश के शेयर को फाइंड करेंगे कैलकुलेशन में मुकेश शेयर इन प्रॉफिट उसके प्रॉफिट में कितना उसका हक बनता है वो हम देखेंगे कब से हमने जब ये फाइनेंशियल ईयर शुरू किया था फर्स्ट अप्रैल ओके फर्स्ट अप्रैल 2019 टू 30th जून ओके कब ऑफ हुआ था वो ऑफ कब हुआ था स्टूडेंट्स वो 30th जून को ऑफ हुआ था सो so 30th जून 2019 सो so यहां पे 2019 है ज ऑन ईयर थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड नाइनटीन हमें यहां लिखना होता है थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड नाइनटीन ओके सो हम कैलकुलेशन करने वाले स्टूडेंट्स हमें क्या बताया गया क्वेश्चन में क्या बताया गया कि उसको प्रॉफिट को हम कैसे करेंगे एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट टू ईयर एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट टू ईयर्स मतलब एकदम लास्ट के दो साल फोर्थ और फिफ्थ ईयर सो फिर हम एवरेज प्रॉफिट फाइन करेंगे एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखेंगे टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स टोटल प्रॉफिट अपॉन इयर्स so के प्रॉफिट कितने थे हमारे ट्वेल्व थाउजेंड प्लस ट्वेंटी फोर थाउजेंड और दो साल तो डिवाइड बाई टू करेंगे पूरे so, ईयर का होता है एटीन थाउजेंड रुपीज स्टूडेंट्स पूरे के पूरे ईयर का होगा अब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स हमें क्या करना है अब हमें प्रोपोर्शनेट प्रोफिट फाइन करना है सो विल फाइन प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट ऑफ महेश ओके महेश का जितना शेयर हुआ उतना महेश शेयर फॉर कितने मंथस फॉर थ्री मंथस मंथस के लिए फाइंड करेंगे सो ट्व एटीन थाउजेंड अमाउंट है स्टूडेंट उसका शेयर कितना है, है. उसका शेयर वन पॉइंट सिक्स हमने यही भी देखा था इन टू कितने मंथ्स थ्री अपॉइंट ट्वेल्व सिर्फ ट्वेल्व ट्वेल्व में से सिर्फ थ्री मंथ्स ही है सो so, ये वन ये टू हो जाएगा नाउ दिस टू बी कट विद वन उसेंड एंड ट्वेल्व नाइन थाउजेंड को डिवाइड बाई करेंगे हम लोग सो लेट स्टार्ट ट्वेल्व सेवन हंड्रेड एंड इन शॉर्ट मुकेश मर गया था उसने तीन महीने काम किए थे जिसका उसको सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी रुपीज मिलना चाहिए अच्छा अब उसकी मैं जनरल एंट्री फॉर्म करने वाला हूं देखो स्टूडेंट्स मुकेश एक इंसान था जिसका सेवन फिफ्टी रुपीज किसके पार्टनरशिप फॉर्म के पास पड़ा है पार्टनरशिप फॉर्म के पास पड़ा है ओके एंड फॉर पार्टनरशिप फॉर्म इज अ क्रेडिटर जिसको चुकाना है पैसा चुकाना है तो ये इंसान क्रेडिटर है तो ऑफिस क्रेडिट तो हो जाएगा ओके तो मुकेश के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे मुकेश के क्रेडिट साइड में लिखेंगे और हम इसको नाम देंगे नेक्स्ट गिविट नेकाउंट हम इसको नाम देंगे हमेशा बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट अमाउंट कितना है साढ़े सात सौ रुपए और उस पैसे को हम कार्ड डालेंगे स्टूडेंट ये हमारा क्रेडिट है तो सेकेंड डेबिट इफेक्ट होगा हम असाइटमेंट डालेंगे मैं यहां भी लिखूंगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट ओके सस्पेंस अकाउंट कितना सेवन फिफ्टी रुपीज देखो फिर से समझ जाइए एक बार असेट में क्यों डाला स्टूडेंट्स असेट में इसलिए डाला बिकॉज वो पैसे हमारे पास पड़े हैं हमारे पास अगर समझो पैसे पड़े होते कैश तो उसको हम हमेशा असेट में लिखते हैं ओके लेकिन उसका हकदार कौन है उसका हकदार कौन है द डेथ पार्टनर हकदार है उसका तो इज अ क्रेडिटर टू द फॉर्म इज अ क्रेडिटर द फॉर्म इसलिए उसको क्रेडिट किया इसीलिए उसके क्रेडिट साइड में डाला और वो पैसे अभी हमारे पास पड़े इसलिए उसको हमने एसेट में डाला हुआ है ओके सो दो इफेक्ट आएगा हमेशा हमेशा इट्स अ न्यू एडजस्टमेंट जो हमारे रिटायरमेंट में नहीं था हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट नाम देंगे और यहाँ पे भी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट नाम ही देंगे सो so, हमारा एडजस्ट नंबर फोर भी हो चुका है समाप्त एंड स्टूडेंट्स एडजस्ट नंबर फिफ्थ हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन थी सो हमारा एडजस्ट नंबर फिफ्थ भी कंप्लीट हो चुका है सो यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा सम होता हुआ समाप्त अब हम बढ़ेंगे टेली की ओर द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इज हम इस गुडविल को क्लोज कर देंगे सो गुडविल एनीस क्लोज हो रहा है बिकॉज दोनों साइड सेम है आई एम गोइंग टू डू द टेली पार्ट विद विदेंड रुपीज एंड फोर थाउजेंड रुपीज और ये क्या हो चुका हमारा टेली हो चुका है फोर थाउजेंड एंड फोर थाउजेंड से अमाउंट हमारा क्या हो चुका है टेली हो चुका है सो नाउ लेट्स स्टार्ट द रिवेल्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हमारा क्रेडिट साइड ज्यादा हैवी है यहां पे सिक्स थाउजेंड आएगा अब इस सम को एकदम सिमिलरली करेंगे जैसे हर बार हम करते हैं सिक्स थाउजेंड में से हम क्या माइनस करेंगे स्टूडेंट थ्री थाउजेंड माइनस करेंगे बच्चा थ्री थाउजेंड अब थ्री थाउजेंड सो यहां पे हमें क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है राइट साइड हैवी है सो तो हम यहां पे लिखेंगे वन टू थ्री फाइव सिक्स ओके टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और तीनों पार्टनर का नाम लिखेंगे राकेश राकेश के बाद क्या नाम आएगा महेश और महेश के बाद नाम आएगा मुकेश अब तीनों पार्ट है थ्री थाउजेंड रुपीज को हम डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स थ्री थाउजेंड रुपीज को डिवाइड किस तरह से करेंगे द रेशियो इज थ्री टू वन सो थ्री इश टू वन हंड्रेड एंड वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड आएगा यहाँ पे वन थाउजेंड आएगा और यहाँ पे फाइव हंड्रेड आएगा सो so, हमें क्या करना है स्टूडेंट्स थ्री थाउजेंड को डिवाइड बाई सिक्स करेंगे हमारा आंसर फाइव हंड्रेड आएगा फिर फाइव हंड्रेड इंटू थ्री फाइव हंड्रेड इंटू टू एंड फाइव हंड्रेड इंटू वन अब यहां से अमाउंट कहा जाएगा यहां पे पार्टनर्स कैपिटल में आएगा मैं यहां लिखूंगा बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉड डाउन सो ये हमारे लिए क्या हो गया स्टूडेंट्स नेट प्रॉफिट हो गया और अमाउंट कितना पंद्रह सो हजार पांच सो आई एम वो राइड यो हजार एंड पांच सौ ओके मैंने यहां पर इतना लिख दिया अमाउंट उसके बाद अब इसको हम क्लोज करेंगे स्टूडेंट्स सो अगेन गोइंग टू क्लोज दिस लेट स्टार्ट विद राकेश थर्ट कितना कितना है 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 पे हम 45, लिखेंगे ये okay, ये so तो थर्टी वन फाइव हंड्रेड हो जाएगा ये टोटल कितना होगा ट्वेंटी वन थाउजेंड हो जाएगा और यहाँ पे टेन प्लस फोर फोर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन टू फिफ्टी होगा पंद्रह दो सौ पचास पंद्रह दो सौ पचास स्टूडेंट्स नाउ यहां हम सब कुछ सेम लेंगे थर्टी वन फाइव हंड्रेड आएगा यहां पे आएगा ट्वेंटी वन थाउजेंड एंड यहां पे आएगा पंद्रह दो सौ पचास सो लेट्स माइनस करते हैं मुकेश में तो कुछ भी माइनस करने को नहीं है स्टूडेंट्स तो एज इट इज पंद्रह दो सौ पचास लिख देंगे मुकेश को अलग लाइन में लिखेंगे एज कंपेयर टू बाकी दोनों के अलग लाइन में लिखेंगे स्टूडेंट्स थर्टी वन फाइव हंड्रेड माइनस टू थाउजेंड फोर हंड्रेड तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं थर्टी वन फाइव हंड्रेड माइनस टू थाउजेंड फोर हंड्रेड दैट कम्स टू जीरो हम इसको अलग लाइन में लिखेंगे 29, 100, और सोलह सो अगेन दैट दैटीन फोर हंड्रेड आई कैन डू दिसली नाइनटीन थाउजेंड फोर हंड्रेड ये अमाउंट तो स्टूडेंट्स एनी विच वेज एक सम की तरह हर एक सम की तरह टू बैलेंस कैरी डाउन लिखेंगे बिकॉज ये अमाउंट हमारा कहा चला जाएगा बैलेंस शीट में जाएगा जैसे हर सम में जाता हो अब स्टूडेंट्स बताओ मुकेश तो मर चुका है तो उसके पैसे हम किसको देंगे जब मुकेश मर चुका है उसको पैसे किसको देंगे तो हम यहां पे लिखेंगे टू अब ध्यान रखना मैं यहां पे क्या लिखने वाला हूं स्टूडेंट्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मुकेश एग्जीक्यूटर्स अकाउंट एग्जीक्यूटर्स एग्जीक्यूटर मतलब ऐसा कोई भी इंसान जो मुकेश के पैसे मुझको देने वाले जैसे हो सकता है मुकेश की वाइफ को दे दे मुकेश के भाई को दे दे मुकेश के मॉम डैड को दे दे या किसी को भी दे सकते हैं मुकेश के तो एग्जीक्यूटर मतलब उसके जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको हम पैसे देंगे तो वो इंसान को हम कार डालेंगे स्टूडेंट्स हमको उसको पैसा चुकाना बाकी है तो यहां पर उसको हम लोन जैसे लिख देंगे मुकेश एग्जीक्यूटर लोन्स अकाउंट बिकॉज हमें उसके भाई या उसकी मम्मी या उसकी डैडी को वो पैसा चुकाना है इट्स अ लोन फॉर द फॉर्म फिफ्टीन थाउजेंड टू फिफ्टी और बाकी बचे दो पार्टनर आज भी हमारे पार्टनर है उसको नॉर्मल हर हर सम की तरह करेंगे हम यहां लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट उसको नॉर्मल लिखेंगे हम लोग क्या नाम है राकेश और महेश तो so, हम यहाँ पे इसको नाम लिखेंगे राकेश महेश कितना अमाउंट है ट्वेंटी नाइन थाउजेंड वन हंड्रेड ट्वेंटी नाइन थाउजेंड वन हंड्रेड और कितना अमाउंट है उन्नीस हजार चार सौ उन्नीस हजार चार सौ तो डेट कम मच पांच सौ रुपए हो गए नाइन प्लस नाइन एटीन वन कैरी फोर्टी एट फाइव हंड्रेड बस फाइनली अब हम सबको क्या करने वाले स्टूडेंट्स यहां पे हम सबको फाइनली टैली करने वाले हैं सोलेक्ट so, सी फोर्टी एट फाइव हंड्रेड फोर्टी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड ये अमाउंट कितना है बीस और अठारह थर्टी एट फोर्टी सिक्स ये हमारा फोर्टी सिक्स थाउजेंड है और ये पंद्रह दो सौ पचास पंद्रह दो सौ पचास जीरो फाइव सेवन एट प्लस सिक्स फोर्टीन फोर्टीन प्लस फाइव नाइन वन कैरी एट नाइन टेन सो एक लाख नौ हजार सात सौ पचास आ रहा है स्टूडेंट्स ओके okay, और अभी हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स क्रेडिट साइड जाएंगे लिखूंगा एक लाख नौ हजार सात सौ पचास अब मैं असेट साइड असेट साइड कैलकुलेट करने वाला हूं दिस इज माय फोर्टी फोर थाउजेंड रुपीज मैं यहां पे कर रहा हूँ फोर्टी फोर थाउजेंड रुपीज ये कितना है अठारह और सोलह कितना होता है सोलह थर्टी फोर थाउजेंड होता है ये थर्टी फोर थाउजेंड हो गया दोनों को मिलाकर सेवनटीन और फोर्टीन दैट कम्स टू थर्टी वन थाउजेंड रुपीज थर्टी वन थाउजेंड हो गया और फाइनली सात सौ पचास सात सौ पचास तो चलो यहीं पे कर लेते सात सौ पचास तो आ गया फोर प्लस फोर एट एट प्लस वन नाइन और फोर प्लस थ्री फोर प्लस थ्री सेवन सेवन प्लस थ्री टेन तो एक लाख नौ हजार सात सौ पचास तो यहां पे भी स्टूडेंट्स अमाउंट हमारा आ रहा है वन लैख नाइन थाउजेंड सात सौ पचास और हमारा सम यहां पे हो, चुक, हो चुका है स्टूडेंट्स कंप्लीट रिंग रिंग सो रिं। स्टूडेंट्स so, अगर आप देखोगे पूरा सम सिमिलर था हमारे रिटायरमेंट वाले चैप्टर से सिर्फ हमें गुडविल का अमाउंट फाइंड करना था जो हमने यहां पर गुडविल का अमाउंट पूरा अच्छे से फाइंड किया फॉर फाइव ईयर एवरेज प्रॉफिट निकालकर हमने ये हमने क्या किया था पूरे फॉर्म का वुडियो निकाला टू टाइम्स ट्वेंटी फोर थाउजेंड उसमें से सिर्फ और सिर्फ मुकेश का जितना शेयर था उसको रेज और रिटर्न ऑफ किया और ये कुछ नया है जो हमें हर समय करना होगा जो पार्टनर मर चुका है उसको वो टाइम ड्यूरेशन के लिए जितना भी प्रॉफिट हक बनता हो उसको हमें देना होगा सो हमने पिछले दो साल के एवरेज प्रॉफिट को पिछले दो साल के प्रॉफिट को एवरेज निकाला और उस अमाउंट को उतने महीने के लिए मुकेश के शेयर से मल्टीप्लाई कर दिया जो भी अमाउंट मिला जो भी कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट मिलेगा वो हमेशा हमेशा हम पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड और असेट साइड लिखने वाले हैं सो दिस इज द न्यू थिंग दैट अंग रिमेबर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट अब फाइनली हम इस सम को क्या करेंगे स्टूडेंट्स अंडरलाइन करेंगे और सम को यहां पर हमारा फिनिश करने वाले हैं इट इज अ वेरी इजी सम आपको सब याद रखना है सारे रिटायरमेंट के रूल्स याद रखने हैं अगर आपको रिटायरमेंट वाला चैप्टर आएगा तो आपको डेथ वाला चैप्टर भी बहुत इजिली आ सकता है इट इज नॉट इट ऑल डिफिकल्टू हैव टू मेक शोर देट अंडरलाइन एवरीथिंग वेरी नाइसली एंड सिस्टमटिकली बिकॉज बोर्ड एग्जाम में आपको अंडरलाइन के ही मार्क्स प्रेजेंटेशन के मार्क्स भी मिलने वाले है सो मेक योर प्रेजेंटेशन वेरी नाइसली सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सम प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब इट थैंक यू सो मच बाय